बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया निसार अली खान साहब, जब भी कोई ऐसे इश्यूज आते हैं अवामी, उसमें छज न्यूज नेटवर्क पेश होता है। यहाँ पर आपने देखा कि जहांगीर खानजाद साहब के हुक्म पे डीसी साहब ने ऑर्डर दिया हुआ था, एसी साहब यहाँ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट कामला मौजूद था, सीओ हजरों मौजूद थे और हमारी अपोनेंट जमात के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट कादी अहमद अकबर साहब भी मौजूद थे। चूंकि जतियाल उनका भाई गांव भी है और यहाँ जतियाल में हालिया बारिशों में बड़ी तबाही हुई, जिसके लिए तमाम लोग परेशान थे और ये यहाँ पर लोगों ने डंपिंग भी की हुई थी और पानी का जो बहाव है यहाँ पे रेत की वजह से ब्लॉकेज आई और पानी ने ओवरफ्लो किया और लोगों के घरों तक गया। जहांगीर खान ने हदायत दी कि ये जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अभी ऑर्डर पास हो गया है, कारी अहमद अकबर साहब भी मौजूद थे, मैं मौजूद था, इधर जहांगीर खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा था। तो ये हमारा तय आ गया कि नाले को कुशादा करके सफाई करके यहाँ से पानी गुजारा जाएगा, ये मुकम्मल सफाई होगी। जो नया टाउन बने कारी अहमद अकबर साहब का, वहां से भी जो नाला तंग था उसको कुशादा करके पानी गुजारा जाएगा और ये भी सफाई की जाएगी, ताकि मजीद अगर कोई नाकामी आफत आती है तो हम उससे महफूज रह सकें। एनएचए की टीम, ये जो पुल है जिसके नीचे ये रेत भी है, ये इनसे भी सफाई कराई जाएगी। सीओ डिस्ट्रिक्ट की और डीसी की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट कामला और तहसील हजरों कामला ये सफाई करेगा और यहाँ पर मैं कैंट बोर्ड का अमला भी उसकी सारी देखेगा जहाँ से पानी आ रहा है, क्योंकि वो कैंट को भी टच करता है, कैंट में भी काफी तबाही हुई है, वो भी हमारे भाई हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी गवर्नमेंट में भी आपको पता है कि अभी मुल्क की हालात ऐसे हैं कि पंजाब अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहा, कुछ अदालतों के फैसले इस किस्म के आ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि लोगों की दादरसी के लिए ये जरूरी था कि यहाँ पे काफी अरसे से सफाई नहीं हुई थी और इसके लिए तमाम सियासी जमातों ने स्ट्रगल की। मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं दूंगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये एक अवामी काम है, उसके लिए सबको, तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर ऐसे मामलों को हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।